ये कहानी है दो दोस्तों की, एक चूहा और एक बिल्ली। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सबका यही कहना था कि एक चूहा और एक बिल्ली कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बिल्ली का शिकार है चूहा। चूहा जो है वो बिल्ली का भोजन है, इसलिए ये दोनों कभी भी एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। मगर इन दोनों का दोस्ती देखकर सब हैरान थे। सबको ज्यादा गुस्सा आता था, आखिर ये दोनों इतने अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं? उस बिल्ली को सब लोग प्यार से भुसली भुसली बुलाते थे। एक दिन रात को बिल्लियों का एक बैठक बैठा, बिल्लियों का एक सभा बुलाया गया। उसमें दोषी के माँ बाप यानी भुसली के माँ बाप को बुलाया गया था। उस सभा में कई सारे बिल्लियां थे जो कि काफी गुस्से में लग रहे थे। वहां पर ठहरे सारे बिल्लियां गुस्से में भुसली के माँ बाप को कहने लगे कि तुम्हारा बेटा दोषी है, तुम्हारे बेटा हमारे खानदान हमारे बिरादरी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। जिस चूहे को हम अपना शिकार मानते हैं, जिस चूहे को हम अपना भोजन मानते हैं, तुम्हारे बेटा उसी चूहे के साथ दोस्ती कर बैठा। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि तुम्हारे बेटे को जो कि दोषी है उसे सजाए मौत दिया जाए। ये सुनने के बाद भुसली के जो माँ बाप थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। डरते हुए कहते हैं कि कृपया हमारे बेटे को माफ कर दीजिए, हमारा बेटा छोटा सा बच्चा है, नादान है, उसे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो ये गलती कर बैठा। मगर उस सभा में आए सारे बिल्लियां काफी गुस्से में थे। उन्होंने साफ साफ मना करते हुए कहने लगे कि ना, ये हो नहीं सकता है, सजा तो मिलकर ही रहेगा। अगर तुम दोनों अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो हम जैसे कहते हैं तुम अपने बच्चे को वैसा ही करने के लिए कहो। कल रात को ठीक इसी समय हम तुम्हारे बेटे के लिए एक सभा बुलाएंगे, एक पार्टी रखेंगे। तुम्हारे बेटे को कहना उस पार्टी में वो अपने जिगरी दोस्त को बुलाकर लेकर आए। अपने दोस्त की पार्टी में वो चूहा जरूर आएगा, और जैसे ही वो चूहा यहाँ आएगा तो हम सारे बिल्लियां मिलकर उस चूहे को पकड़कर मारकर खा जाएंगे। अगर किसी भी वजह से वो चूहा इस पार्टी में नहीं आया तो सजा के तौर पर हम तुम्हारे बेटे को मौत देंगे। ये कहने के बाद वहां से सारे बिल्लियां चले जाते हैं और भुसली के माँ बाप भी अपने अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भुसली के माँ बाप काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, इसलिए भुसली अपने माँ बाप को पूछते हैं कि आप दोनों को क्या हुआ है, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जब भुसली को सारे बातें पता चला कि किसी भी हालत पर कल की पार्टी में वो अपने दोस्त को वहां लेकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो सजा के तौर पर भुसली को मौत मिलेगा, इसलिए भुसली अगले ही दिन सुबह अपने दोस्त के पास गया। चूहे के पास जाकर कहने लगा कि दोस्त तू मुझे कितना प्यार करता है, तू मुझे कितना चाहता है। वो चूहा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि दोस्त मैं तुम्हारे दोस्ती के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। गुस्से में भुसली ने कहा कि ठीक है तो साबित कर, अगर तू सच में मेरा दोस्त है, तू मुझे चाहता है, तो आज से एक साल तक ना ही तू मुझे मिलेगा और ना ही तू मेरे साथ बात करेगा, यहाँ तक कि तू मेरे नजरों के सामने भी नहीं आएगा। ये कहकर भुसली उस जगह से चला जाता है। जैसे ही रात हुआ सारे बिल्लियां भुसली के लिए पार्टी रखे थे, और सारे बिल्लियां इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वो चूहा आएगा और सारे बिल्लियां मिलकर उस चूहे को मारकर खाएंगे। मगर उस पार्टी में भुसली बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता था कि उस पार्टी में उसका दोस्त नहीं आएगा। कुछ समय के बाद सबने देखा कि उस पार्टी में वो चूहा पूरी बनठन कर आया है, तो उस पार्टी में देखकर भुसली को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में जाकर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते है, मैंने तुम्हें कहा था ना पूरे एक साल तक तुम मुझे ना ही मिलोगे ना ही मेरे साथ बात करोगे, और तुम यहाँ क्यों आ गए? जब उस चूहे ने जवाब दिया तो उस जगह पर जितने भी बिल्लियां थे सबके आंखों में आंसू आ गया। उस चूहे ने कहा कि दोस्त मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ आने के लिए क्यों मना कर रहे थे और खुद से मुझे क्यों अलग करना चाहते थे। दोस्त मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ मगर तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। ये बातें सुनते ही उस पार्टी में जितने भी बिल्लियां थे सबके आंखों में आंसू निकल आया। उस चूहा ने बताया कि कल रात इसी जगह पर एक सभा बुलाया गया था बिल्लियों का, और उस सभा में जो जो भी बातें हुआ मैं सारे बातें छुपकर सुन रहा था। मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर सारे बिल्लियां मुझे मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दोस्त मैं तो बस तुम्हारा राय जानना चाहता था कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम मुझे बचाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार हो गए? मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
भले ही मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हें एक आंच भी आने नहीं दूंगा। उस चूहे की इस तरह का बातें सुनते ही वहां ठहरे सारे बिल्लियां रोते हुए जोर जोर से ताली बजाने लगे। दोस्तों, इसे कहते हैं असली दोस्ती। एक बिल्ली जो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार था, वहां दूसरी तरफ एक चूहा जो खुद मरकर भी अपने दोस्त की जान बचाना चाहता था। इसे कहते हैं असली दोस्ती। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस छोटी सी कहानी से कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा। वैसे आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी कैसा लगा? कहानी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।